नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। संध्या ऑफिस में बैठी जल्दी जल्दी रिपोर्ट की तैयारी कर रही थी। कल ही उसके ऑफिस में ऑडिट होने वाली थी, इसलिए उसके बॉस ने कहा था कि आज किसी भी हालत में सारी रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। संध्या जल्दी से जल्दी काम खत्म करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह समय से अपने घर पहुंच पाए, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे देर हो ही गई थी। शाम के 6 बजे के बाद से ही उसकी सास श्यामा देवी जी का फोन आना शुरू हो गया था और अब रात के 9 बजने वाले थे। इन 3 घंटों में श्यामा देवी जी लगभग 20 बार फोन करके बहू को जल्दी घर आने के लिए कह चुकी थी। एक तो संध्या वैसे ही काम के प्रेशर से मरी जा रही थी, ऊपर से बार बार सास के ताने सुनकर उसके सिर में दर्द होने लगा था। उसने चपरासी को बुलाकर एक कप कॉफी मंगवाया। गर्मा गर्म कॉफी पीकर उसमें थोड़ी स्फूर्ति आई और वह फटाफट फिर से काम में लग गई। काम खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे। ऑफिस की गाड़ी ने संध्या को उसके घर छोड़ दिया था। थकान, नींद और भूख के मारे संध्या की हालत खराब हो गई थी। उसकी पलके बोझिल हो चली थी, ऊपर से यह कमबख्त सिर दर्द उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इतनी सारी मुश्किलें ही काफी नहीं थी, घर पहुंचने पर होने वाले तमाशे के बारे में सोच सोच कर वह और भी परेशान हो गई थी। जैसा कि उसने सोचा था, घर पहुंचते ही उसकी सास गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, शरीफ घर की बहू के घर वापस आने का यह कोई समय होता है क्या? तुमने तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटवा कर रख दी है। रात रात भर शहर की सुनी सड़कों पर घूमती रहती हो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी। संध्या चुपचाप सिर झुकाए उनकी बातें सुन रही थी। उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि अपनी सास की बातों का जवाब दे पाए। वो बहस करके बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि सासू माँ का लेक्चर जल्दी से खत्म हो और वह कुछ खा पीकर जल्दी से सो जाए। दिन भर बैठे बैठे वैसे भी उसकी कमर अकड़ गई थी। संध्या की सास संध्या को कोसे जा रही थी। संध्या का पति अरुण भी ऑफिस के काम से 10 दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। वह होता तो वो अपनी माँ को पत्नी का इतना अपमान करने नहीं देता। वैसे तो अभी घर में संध्या के ससुर जी और देवर भी थे, लेकिन दोनों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो दोनों तो खा पीकर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। जी भरकर संध्या को कोसने के बाद उसकी सास के फेवरेट टीवी सीरियल का समय हो गया था तो उसकी सास ने मुंह बनाते हुए कहा, अब आ गई हो तो थोड़ा घर का काम भी कर लो। खाना तो मैंने बना दिया था, हम सब ने खाना खा लिया है, अब तुम बर्तन साफ करके रख देना। इतना कहकर श्यामा देवी जी टीवी ऑन करके टीवी देखने लगी। संध्या की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने अपने आंसू पोछे और जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ गई, क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लग गई थी। जब संध्या ने बर्तन देखा तो सब्जी के बर्तन में एकदम जरा सी सब्जी रखी हुई थी और रोटी वाले बर्तन में एक भी रोटी नहीं थी। संध्या ने श्यामा देवी जी से धीरे से कहा, मम्मी जी मेरी रोटी कहाँ है? श्यामा जी गुस्से से भरते हुए बोली, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए रोटी बनाकर रखूँ? सुबह की बची हुई रोटी फ्रिज में पड़ी हुई है, वो खा लो। तुम क्या सोचती हो, तुम कहीं की महारानी हो जो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी? एक तो वैसे भी तुम्हारा काम मुझे करना पड़ा और ऊपर से तुम उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर भी रखूँ। तुम्हारी इतनी सेवा मैं नहीं कर सकती। वैसे भी तुमसे किसने कहा है नौकरी करने के लिए? हमारा घर चलाने के लिए मेरा बेटा पर्याप्त कमाई कर सकता है, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? सास की कड़वी बातें सुनकर संध्या की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वो रसोई में गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने लिए फिर से आटा गूंथ कर रोटियां बनाए। उसने सुबह की बची हुई रोटी निकाली और उसे गर्म करके खाने लगी। वह खाते हुए सोचने लगी, क्यों छोड़ दूं मैं नौकरी? मेरी माँ का सपना था कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। भविष्य में क्या होगा किसे पता, तो अगर मैं कुछ कमाई कर रही हूँ तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो रही है। मैं सुबह सवेरे नाश्ता बना ही देती हूँ, लंच की तैयारी भी करके जाती हूँ, शाम को भी आकर रोज चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ मैं ही बनाती हूँ। सासू माँ को कोई भी काम करने नहीं देती हूँ। मैं उनके खान पान से लेकर स्वास्थ्य का ध्यान रखती हूँ और मुझे एक दिन ऑफिस से आने में देर हो गई तो मेरे लिए उन्होंने खाना तक नहीं रखा। क्या हो जाता अगर वह बहू के लिए 3 रोटियां और बना देती? यह सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की सहस्त्र धाराएं फूट पड़ी। वो सोचने लगी कि शायद इसीलिए ससुराल कभी बहू का घर नहीं बन सकता है। एक बहू को तो उसके हिस्से की जिम्मेदारी अच्छे से समझा दी जाती है, तो क्या बहू के लिए घर के बाकी लोगों के कोई फर्ज नहीं होते हैं?
एक बहू पूरे परिवार को खाना बनाकर खिला सकती है, लेकिन बहू के लिए कोई दो रोटी भी नहीं बनाता है। आज उसका मन बहुत दुखी हो गया था। खाना खाने के बाद उसने देखा कि सिंक में जूठे बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ था। उसने अपनी थकान को किनारे करके बर्तन धोने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने रात में बर्तन नहीं धोए तो उसके लिए भी उसकी सास बहुत गुस्सा करती। सास की गालियां और ताने सुनने से तो अच्छा उसने सोचा कि थोड़ी देर और खड़े रह के यह काम भी निपटा लिया जाए। श्यामा देवी जी को बहू की नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बहू को जरा भी सहयोग नहीं करती थी और जरा से भी भूल चूक हो जाने पर उसे हजार बातें सुना देती थी। बहू के आते ही उन्होंने जानबूझकर काम वाली बाई भी हटवा दी थी ताकि बहू के ऊपर काम का ज्यादा प्रेशर बना रहे। एक दो बार संध्या ने दबी जुबान में काम वाली बाई के लिए कहा तो श्यामा देवी जी ने गुस्से से कहा, अगर बहू के आने के बाद भी काम वाली बाई काम करे तो बहू लाने का फायदा ही क्या है। संध्या को बहुत गुस्सा आया कि क्या वो काम वाली बाई का विकल्प है। संध्या ने पति को अपनी परेशानी बताई तो अरुण खुद ही काम वाली बाई को ले आया और काम करने के लिए कहा, लेकिन श्यामा देवी जी ने बाई को इतना तंग किया कि वह दो दिन में ही काम छोड़कर चली गई। उसके बाद से जब भी कोई बाई आई तो उसकी सास घर में बाई को टिकने ही नहीं देती थी। संध्या किसी तरह हालातों से समझौता करके जीने की कोशिश कर रही थी और इधर उसकी सास श्यामा देवी जी बहू को परेशान कर करके अपने मन को सुकून देती रहती थी। कुछ दिनों के बाद गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और बाजार में कच्चे आम आने लगे थे। एक दिन श्यामा देवी जी ने संध्या से कहा कि बहू, आज ऑफिस से आते हुए अचार के लिए 20 किलो कच्चे आम लेती आना, तुम्हारी ननद श्वेता के यहाँ भी मुझे अचार देना है। संध्या ने कहा, जी मम्मी जी, आज शाम को आम और सभी मसाले लेती आऊंगी। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी तो पूरा दिन श्यामा देवी जी ने बहू से अचार के मसाले तैयार करवाए, आम के टुकड़ों को धूप में सुखाने के लिए डालने को कहा। उसके बाद श्यामा देवी जी ने खुद अपने हाथों से अचार बनाया, क्योंकि उनकी बेटी को उनके हाथों से बना हुआ अचार बहुत पसंद था। कुछ दिनों में जब अचार धूप में पककर बिल्कुल तैयार हो गया तो एक दिन श्यामा देवी जी अचार लेकर अपनी बेटी के यहाँ पहुँच गयी। श्वेता का ससुराल 4 घंटे की दूरी पर था। जब भी श्यामा देवी जी का मन करता था तो बेटी के ससुराल में पहुँच जाती थी। बेटी के ससुराल में केवल उसके ससुर मनोहर जी और पति रजत ही था। श्वेता की सास का अभी साल भर पहले ही देहांत हुआ था। श्वेता एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसका पति रजत भी एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर कार्य करता था। श्वेता के ससुर मनोहर जी रिटायर हो गए थे और घर पर रहते थे। श्यामा देवी जी बेटी की सुखद गृहस्थी देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। इस बार श्यामा देवी जी ने सोचा था कि वो बेटी के साथ 3-4 दिन रहकर ही आएंगी, क्योंकि इस बार वो काफी दिनों के बाद बेटी से मिलने के लिए जा रही थी। जब श्यामा देवी जी बेटी के यहाँ पहुंची तो उस समय शाम हो चुकी थी। मनोहर जी ने उनके स्वागत के लिए बाहर से समोसे और गुलाब जामुन मंगवा लिए थे और चाय बनाकर वह उनका इंतजार कर रहे थे। श्यामा देवी जी चाय नाश्ता करते हुए सभी का हाल चाल लेने लगी। थोड़ी देर के बाद मनोहर जी ने कहा कि आप थोड़ी देर आराम करिए, श्वेता ऑफिस से आती ही होगी। लेकिन श्वेता को ऑफिस से आने में देर हो रही थी। श्यामा देवी जी ने बेटी को फोन लगाया तो श्वेता ने कहा कि माँ, आज जरूरी मीटिंग है तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। रात के 8 बज चुके थे और श्वेता अभी तक नहीं आई थी। श्यामा देवी जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो रसोई में खटर पटर की आवाज सुनकर वो रसोई में चली गई। वहां उन्होंने देखा कि मनोहर जी खाना बना रहे थे। श्यामा देवी जी कहने लगी कि अरे समधी जी, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मनोहर जी बोले, अरे नहीं समधन जी, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। श्वेता को भी मेरे हाथों से बनी हुई कटहल की सब्जी बहुत पसंद आती है, इसलिए आज मैं उसकी फेवरेट सब्जी बना रहा हूँ। इतना कहते हुए उन्होंने आटा गूंथना शुरू कर दिया। श्यामा जी हैरानी से बोली, रोटियां भी आप ही बनाएंगे? मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ क्यों नहीं। जब बेटा और बहू घर वापस आएंगे तो कितने थके हुए होंगे, ऐसे में उन्हें खाना बनाना पड़ेगा तो उन्हें कितनी दिक्कत होगी। इससे अच्छा मैं गर्मा गर्म खाना तैयार रखता हूँ, वो आते ही हाथ मुंह धोकर खाना खाकर आराम कर लेंगे। वैसे तो रोज श्वेता ही रात का खाना बनाती है, लेकिन कभी उसे ऑफिस से आने में देर हो जाती है तो मैं उसे गर्मा गर्म रोटी बनाकर जरूर खिलाता हूँ। वो मेरा इतना ध्यान रखती है, हमेशा मुझे गर्म खाना खिलाती है, तो कभी मौका पड़ने पर मैं उसे गर्म खाना क्यों नहीं खिला सकता हूँ। श्यामा देवी जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर घड़ों पानी डाल दिया हो। वह शर्मिंदा हो गई और सोचने लगी कि मनोहर जी तो ससुर होते हुए भी अपनी बहू के बारे में इतना सोच रहे हैं। मेरी बेटी कितनी किस्मत वाली है जो उसे ऐसा प्यारा परिवार मिला है।
और मैं कैसी हूँ। एक औरत होते हुए भी एक औरत के साथ मैंने कितना बुरा व्यवहार किया। मेरी बहू सुबह से लेकर शाम तक घर और ऑफिस के कामों में लगी रहती है। फिर भी कभी उसे ऑफिस से आने में देर हो जाती है तो मैं उसे उसके हिस्से की गर्म रोटी बनाकर भी नहीं खिलाती हूँ। अपराध बोध के कारण उनका मन भर आया था। अभी वो गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी श्वेता ऑफिस से वापस आ गई। आते ही वो माँ के गले लग गई। मनोहर जी बोले, जाओ बेटा हाथ मुंह धो लो, थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद श्वेता का पति रजत भी ऑफिस से आ गया था। सभी ने एक साथ बैठकर गर्मा गर्म खाने का मजा लिया। श्यामा जी ने देखा कितना सुकून है श्वेता के चेहरे पर। ऐसा सुकून उन्होंने अपनी बहू के चेहरे पर कभी नहीं देखा था। अगले दिन ही श्यामा देवी जी ने घर वापस जाने की जिद पकड़ ली। श्वेता ने कहा कि माँ अभी तो आई हो, कुछ दिन और रुक जाओ ना। श्यामा देवी जी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं बेटी, बहू को वहाँ अकेले ही सब कुछ करना पड़ता होगा, मुझे जल्दी जाने दे, तू भी छुट्टियों में घर आने की कोशिश करना। वो उसी दिन वहां से निकल गई। घर पहुंचने के बाद श्यामा जी ने पुरानी काम वाली बाई को फोन करके बुला लिया और उसे उसी दिन से काम शुरू करने को कह दिया। शाम को बहू के आने से पहले उन्होंने सब्जी बना ली थी, आटा भी गूंथ कर रख लिया था, चाय नाश्ते की तैयारी भी कर ली थी। संध्या जब ऑफिस से वापस आई तो घर को व्यवस्थित देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जब वो रसोई में आई तो रसोई के काम भी हुए पड़े थे। यह सब देखकर वो तो हैरान ही रह गई। तभी श्यामा देवी जी रसोई में आई और बड़े ही उत्साह से कहने लगी, बहू चलो चाय नाश्ता कर लो, मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है, सब्जी भी बना ली है और आटा भी गूंथ दिया है, और अब बाई भी काम करने के लिए आएगी। फिर जरा धीरे से बोली, और बहू मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, लेकिन आज से अगर तुम्हें कभी ऑफिस से आने में देर हो जाएगी ना तो खाने पीने की चिंता बिल्कुल भी मत करना। अब से तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की गर्म रोटियां मैं खिलाऊंगी। सास में ये सुखद बदलाव देख संध्या का मन प्रफुल्लित हो उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों पर सवार हो। वो भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो झट से धन्यवाद माँ कहते हुए सास के गले लग गई। श्यामा देवी जी की आंखें भी नम हो गई थी। बहू को सताने के लिए वो कितने प्रयास कर रही थी। तब उनके मन को सुकून तो मिल जाता था, लेकिन आज उन्हें जो आनंद मिला था वैसे आनंद का अनुभव उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नहीं किया था। आज उनका मन रूई सा हल्का हो गया था। आज बहू को थोड़ी सी खुशी देने का प्रयास ऐसा रंग लाया था कि अगले दिन से दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। दोस्तों, परिवार वही होता है जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखें। बहू से सिर्फ काम करने के लिए उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि बहू की कुछ उम्मीदों को पूरा भी करना चाहिए, तभी तो रिश्ते दोनों तरफ से मजबूत बनते जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।